हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है जीपी रेटिंग के बारे में। जो लड़के मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं और वो जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि आप किस तरीके से जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं और 10th अगर कंप्लीट किए हैं या 12th कंप्लीट किए हैं या आपने ITI किया हुआ है तो वो लड़के भी मर्चेंट नेवी में ये कोर्स करके आ सकते हैं। और ये जो बैच स्टार्ट होगा ये है जुलाई का बैच और ये नूसी ने निकाला हुआ है। नूसी वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है मर्चेंट नेवी की। इसका जो ट्रेनिंग होता है वो है गोवा में। और ये किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करोगे, इसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैं वो तमाम जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा स्टेप बाई स्टेप। और इन केस अगर आपके मन में कोई और डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूंगा। पर अगर आपको अपना कैरियर जीपी रेटिंग में बनाने का है, मर्चेंट नेवी में बनाने का है आपको अपना कैरियर, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको पूरा देखिएगा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ सकते हैं जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में कि आप किस तरीके से मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप मर्चेंट नेवी में एंट्री ले सकते हैं ये कोर्स करने के लिए। तो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, नूसी की क्या क्राइटेरिया रहेगी, क्या रहेगा, वो तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप गूगल के ऊपर में जाएंगे, गूगल पे आप नूसी लिखिए। जैसे हम लोग नूसी टाइप करेंगे हमको यहाँ पे आना है, नूसी मैरीटाइम एकेडमी के ऊपर में हम लोग को क्लिक करना है। अभी जैसे हम लोग ने क्लिक किया ये इनका होम पेज आ गया। होम पेज पे आने के बाद में जो ये चीज़ लिखा हुआ है कोर्स का, यहाँ पे देखिए ये कोर्स लिखा हुआ है। ये कोर्स में ये अभी दो कोर्स करवा रहे हैं, एक जीपी रेटिंग कोर्स करवा रहे हैं और एक CCMC कोर्स करवा रहे हैं ये, ठीक है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी इसका फॉर्म हम लोग को यहाँ से हम लोग को पता चलेगा। अभी जीपी रेटिंग का अप्लीकेशन फॉर्म हम लोग ओपन करेंगे तो ये जीपी रेटिंग का ये फॉर्म ओपन हो गया। तो दोस्तों इसमें सबसे ऊपर मैं पहले भी बताया हूँ, 10th जो लड़के किए हुए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो 12th कंप्लीट किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो ITI किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में फिर जो ये बैच है, ये बैच 2024 में जुलाई का बैच है, ये जुलाई का बैच है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट की वो है 29 फरवरी, ठीक है। 29 फरवरी तक इनके पास में फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वाली जुलाई का ये इनका बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में इन्हें लिखा हुआ है, इसमें ये बात थोड़ा इन लोग ने लिखी हुई है कि हाउएवर कंप्लीटिंग ऑफ जीपी रेटिंग कोर्स डज नॉट गारंटी अ जॉब। मतलब ये लोग गारंटी नहीं दे रहे हैं जॉब की, इनने ये मेंशन करके रखा हुआ है। पर जो मेरी ओपिनियन है ये बहुत अच्छी एकेडमी है, आप इसमें ट्राई कीजिए, इसमें फॉर्म भरिए, आगे आपके बहुत अच्छा काम में आएगा। और उसके बाद में फिर ये मोटे तौर पे ये भी पढ़ लीजिएगा लाइफ एंड ऑनबोर्डशिप का बारे में, ड्यूटीज़ क्या रहेगी जीपी रेटिंग की, मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ कि क्या क्या ड्यूटीज़ रहती है। जनरल कार्गोशिप रहेंगे या LPG रहेगा या LGN कैरियर रहेगा या क्रूज लाइन रहेगी, एक कोई भी रहेगा शिप, ये शिप में जाने के लिए आपने अगर जीपी रेटिंग ये कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे ये सारी शिप में सेलिंग करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी ये कोर्स के लिए। तो अभी आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 10th जो लड़के किए हैं या 12th कंप्लीट जो किए हैं उसको 40% के अबव मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें साइंस भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। और अगर आपने ITI किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, और 40% के ऊपर होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है।
ये मैं ज़्यादातर अपने हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी मर्चेंट नेवी की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अभी हम लोग एज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो इसमें एज लिखी हुई है, एज लिखी हुई है 18 साल से लेके 25 साल की एज वाले ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं मेडिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, मेडिकल क्राइटेरिया जो रहेगा, जो हाइट रहेगी, हाइट रहेगी 158 सेंटीमीटर रहेगा। और ये जो BMI लिखा हुआ है वो 20 से लेके BMI 30 मैक्सिमम होना चाहिए। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से रहेगा। फिजिकली आपको फिट होना चाहिए और नॉर्मल कलर विज़न होना चाहिए। ठीक है, इसमें 6x6 भी चलेगा, 6x9 भी चलेगा, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए मर्चेंट नेवी में। आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। अब ये ड्यूरेशन क्या रहेगी ये कोर्स की, जो आप ये कोर्स करेंगे तो ये कितने महीने का रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ है ये 6 महीने का कोर्स रहता है। ठीक है दोस्तों, 6 महीने का कोर्स रहेगा और ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा ये बैच। और आप इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नेक्स्ट है वो ये है पासपोर्ट का, कि आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो आप ये कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप फॉर्म भी भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इससे पहले आप सबसे पहले आपको पासपोर्ट अपना बनाना पड़ेगा। अब जो नीचे आ जाते हैं हम लोग, नीचे क्या है, ये कहाँ पे इंटरव्यू होगा, ये टेस्ट कहाँ पे होंगे। ये इन लोग ने मेंशन किया हुआ है कि ये टेस्ट इनके गोवा में भी हो सकते हैं या बॉम्बे में भी हो सकते हैं। गोवा या बॉम्बे दोनों में कहीं पर भी हो सकते हैं। और अब इसमें जो आया है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों इसमें जैसे जनरल नॉलेज लिखा हुआ है, साइंस लिखा हुआ है, मैथ्स लिखा हुआ है, ओरल रहेगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें इंग्लिश कंपलसरी, मैं आपको पहले भी बताया था। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट है कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो उनको मेल के ऊपर में इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनका इंटरव्यू कब है। और इसमें एक चीज़ और है, मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप जब ये इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे, ये जब ये इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे, तो रहने का, खाने का, पीने का ये सारा इंतज़ाम आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें इन लोग ने साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है कि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो इसमें रहने खाने पीने का इंतज़ाम आपका खुद का रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाई द ईमेल फॉर द इंटरव्यू। मतलब समझ लीजिए कि जो भी लड़के लोग को सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के लिए, उनका फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो उनको बाई मेल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जिनका बाई मेल नहीं आता, तो वो लड़के समझ जाइए कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ये बैच में वो सिलेक्शन उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एजेंट से आप बच के रहिए। अगर आपको कोई भी एजेंट बोलता है तो उसके थ्रू मत जाइएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए एकदम अच्छे से, वी डू नॉट हैव एनी एजेंट। अगर कोई भी इन लोग का कोई भी एजेंट नहीं है, अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि वो आपको सीट गारंटी करा देगा इस में, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इनने मेंशन की हुई है कि इनका कोई भी एजेंट नहीं है, और एजेंट को पैसा मत दीजिएगा। अगर कोई बोला है कि मैं वो आपको नूसी में सीट दिला देगा और कुछ भी मतलब पैसा वैसा मांगे, तो आप मत दीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली है, बहुत अच्छी एकेडमी है, और कोशिश कीजिएगा कि इसमें मतलब आपका करियर बन जाए। तो उसके बाद में फिर ये ड्यूरेशन क्या रहेगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि टेंथ या ट्वेल्थ वाले चाहिए, ITI किया हुआ चाहिए, 40% से ऊपर चाहिए, और टेंथ या ट्वेल्थ में, और 50% इंग्लिश में चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। एज भी यही लिखा हुआ है कि 18 साल से लेकर 25 साल की एज के बीच वाले होने चाहिए। मेडिकल फिट मेडिकल का भी आपको 6x6 6x9 ये होना चाहिए। और जो हाइट
158 सेंटीमीटर से लेके बीएमआई और बीएमआई 20 से लेके 30 के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस का भी मैं अभी और आगे आपको बताऊंगा कि मतलब आप किस तरीके से अपना मेडिकल करवा सकते। तो दोस्तों ये जो फोर्थ पॉइंट है कि जो आपका फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो बहुत अच्छी क्वालिटी में चाहिए, ठीक है, लेज़र कलर प्रिंटर से आप निकालिएगा A4 साइज़ में, वो आपका चाहिए। उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर आता है, फिफ्थ नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये देखिएगा, ये फॉर्म जब आप फिलअप कर रहे रहेंगे ना, इसमें कोई सी भी गलती मत कीजिएगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती रहेगी ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो पासपोर्ट जो रहेगा वो दो नाम रहना चाहिए, जैसे कि सरनेम आपका अलग होएगा और जो आगे का वर्ड है वो अलग रहेगा, तो नाम और सरनेम दोनों अलग रहेगा, जैसे इरफान फारूकी, तो फारूकी सरनेम हो गया, इरफान हो गया, तो रवि कुमार, कुमार आपका सरनेम हो गया, रवि आपका नाम हो गया, तो ये उसमें लिखी गई, जैसे पासपोर्ट में भी अगर वैसा रहेगा तभी मतलब आपका फॉर्म अप्रूव होगा, नहीं तो वो अप्रूव नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दो नाम कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको अच्छे से एनवलप में, हार्ड एनवलप में अपना पासपोर्ट का फोटो कॉपी मतलब जेरोक्स कॉपी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मेल नहीं करनी है, सॉरी मैं पीछे चला गया, आपको मेल नहीं करनी है, आपको ये जो एड्रेस दिया हुआ है, ये वाला एड्रेस जो ये बॉम्बे का एड्रेस है इनका, इस एड्रेस पे आपको अपना कुरियर करना है ये डॉक्यूमेंट जो आप फॉर्म फिलअप करके करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और नीचे आता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि जो मेडिकल का, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेडिकल का क्या रहेगा, बीएमबी का बताया था, बीएमबी के लिए आपको जो आपका वेट रहेगा वो हाइट इंटू हाइट से आप मीटर से इंटू करेंगे, उसके बाद में डिवाइडेड बाई केजी में करेंगे, तो फिर समझ लीजिए एवरेज जो लड़के रहते हैं उनका 20 से लेके 30 के बीच में आता ही है। अब ये आपको मेडिकल पहले से ही करवाना पड़ेगा, मेडिकल करवाने के साथ में ही आपको अपना वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो मेडिकल दो मेडिकल करेंगे आपके, एक तो MBBS जो डॉक्टर होते हैं, MBBS के बाद में MD वो आपके ये वाला मेडिकल करेंगे फिजिकल का, उसके बाद में फिर जो आई साइट के जो डॉक्टर होते हैं वो आपका दूसरा ये क्लियर ब्लाइंडनेस और नॉर्मल विजन का चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। फॉर्म इस तरीके का फिलअप रहेगा, ये डेमो फॉर्म है, ये वाला जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे आई सर्जन के पास में जब आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये सैंपल तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से वो आपको फॉर्म करके देंगे, यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, डॉक्टर का स्टैंप यहाँ पे रहेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में जो मैं बताया था MBBS जो डॉक्टर रहेंगे वो आपका फुल बॉडी का चेकअप करेंगे, जिसमें से हाइट, वेट, BMB का वो निकाल के देंगे, उसके बाद में उनका स्टैंप और ये रहेगा, ठीक है। ये दोनों डॉक्टर, आप फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आई सर्जन और MBBS, ये दोनों डिफरेंट डॉक्टर रहेंगे, डिफरेंट फॉर्म रहेगा, वो आपको वहाँ से अपना मेडिकल कराना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में फिर आप ये सब देख लीजिएगा, सब वही नॉर्मल चीज़ है। तो मोटे तौर पे मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है कि किस तरीके से रहेगा, ये सारा फॉर्म है, आप फॉर्म एकदम अच्छे से फिलअप करिएगा और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें भर के इस फॉर्म को भेजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म फिलअप करके भेजिएगा। और एक और चीज़ है इसमें, जैसे कि ये आपने आपका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है और आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए एकदम मेंशन किया हुआ है, हर एक बारीकी चीज़ आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे जैसे आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया या फेक डॉक्टर से आपने अपना मेडिकल करवाया, तो इनने साफ साफ लिखा है कि ये अपने एकेडमी में भी मेडिकल करवाएंगे, और मेडिकल में अगर आप वो एकेडमी में मेडिकल हुआ उसमें आप फेल हो गए तो आपका जो पैसा इसमें लगा है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, जो आपने ट्रेनिंग के लिए दिया था या स्टार्टिंग में जो फीस जमा की थी वो
कट जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो जो आपका एक तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो कोई भी चीज़ मतलब गलत मत कीजिएगा, जेन्युइन चीज़ इसमें डालिएगा, और बहुत ही अच्छी एकेडमी है, अपना कैरियर अच्छे से बनाइए, और कोशिश कीजिए कि मतलब इंग्लिश के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और एजेंट को मत पकड़िए। मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ कि एजेंट को मत पकड़िए, बिना एजेंट के थ्रू इस एकेडमी में ट्राई कीजिए, और होप करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स में लिख के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए।